तो देर रात जो कुछ भी हुआ उसे लेकर तमाम सवाल हैं। छात्रों पर हमला हुआ है और जेएनयू की इस घटना को लेकर कई सवाल लोगों के मन में है कि आखिर हमले के पीछे कौन लोग थे, नकाब में छिपे हैवानों का सच क्या है। जमकर खून खराबा हुआ लेकिन हॉस्टल में जो तोड़फोड़ हुई, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष को पहचान करके उन पर हमला किया गया, उनके सर पर गंभीर चोट आई है। एम्स में कई घायल छात्र अभी भी भर्ती हैं। देर रात नेताओं का वहां पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने जिन्हें लेकर लगातार यह सवाल उठ रहा है कि कहां पर चूक हुई, आखिर कौन लोग थे इस हमले के पीछे। साबरमती हॉस्टल की वार्डन ने इस बीच पद से इस्तीफा दिया है, ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। सीनियर वार्डन आर मीणा ने पद से इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, एक्शन दिखाई दे रहा है। इस बीच पुलिस ने भी इस मामले को लेकर पहली FIR दर्ज की है और अब कोशिश यही कि इन छात्रों की पहचान की जाए। ये छात्र जेएनयू के अंदर के थे, बाहर के थे, कौन थे, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जिन लोगों को कैमरे पर देखा गया है उनमें एक लड़की भी दिखाई दे रही है। पहले आप ये सुनिए पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। जेएनयू में कल जो वायलेंस हुआ है उसको संज्ञान में लेते हुए हमने पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ में ऑलरेडी एक FIR दर्ज कर लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। सर अभी तक कितनी कंप्लेंट्स आपको रिसीव हुई हैं और जो घायल हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा? घायल तकरीबन 30 से ज़्यादा संख्या है स्टूडेंट्स की जो घायल हुए हैं। प्रिलिमिनरी किसी को बहुत सीरियस इंजरीज नहीं है। मोर देन 60% जो हैं वो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस चीज़ को हम फर्दर देख रहे हैं। सर पुलिस का कुछ एलिगेशन, पुलिस पर भी एलिगेशन कुछ लगा रहे थे जेएनयू के जो छात्र थे कि मूक दर्शक बनकर रही, तो उस पर क्या कह रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई की गई थी कल पूरी? मैं अभी यही बोलूँगा कि पुलिस हैज रिस्पॉन्डेड वेल इन टाइम। और सर एक लास्ट सवाल, कुछ जो मास्क वाले थे क्या उनके अभी तक पहचान हो पाई है, जो मास्क वाले जो अंदर? नहीं, हम सोशल मीडिया एज वेल एज जितनी भी फुटेजेस अवेलेबल हैं सबको संज्ञान में ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले अशोक सिंघल आपका रुख करते हुए ये बताइए कि रात से लेकर अभी तक जितना भी घटनाक्रम हुआ है उसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि जो लोग हमला करने आए थे वो दरअसल उस कॉलेज के ही थे, उस कैंपस के ही थे। अब तक पुलिस की क्या रिपोर्ट है, क्या इंक्वायरी में सामने आया है, क्योंकि अब तो वार्डन ने भी इस्तीफा दे दिया है। नहीं अंदर है सब मीडिया है, नहीं तो बुलाइए ना, हम तो बाहर ही हैं। वो सर अशोक आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अशोक का संपर्क हम करेंगे। पुनीत शर्मा भी मौजूद है हमारे साथ। पुनीत कई सवाल हैं लेकिन जवाब कहां से मिलेंगे, जेएनयू उसका सेंटर है, इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या डिटेल अभी मिल रही है? हमारे साथ इस वक्त MOS HRD मिनिस्टर संजय भोत्री साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय जी सबसे पहले तो ये कि इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या डिटेल्स आपके साथ पास हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? नहीं अभी जो कुछ भी कल हुआ तो एक तो गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उनकी बात हुई और वो इंक्वायरी भी लगा दी। जो कोई करीब करीब 40-50 लोग जो उसमें नकाब पहन के जो घुस गए थे और जिनके हाथ में डंडे वगैरह थे, जिन्होंने कुछ हमला किया, तो इसकी इंक्वायरी होंगी। और आज जो सचिव है HRD, उन्होंने वाइस चांसलर को वहाँ पे दिल्ली में मीटिंग उनके ऑफिस में होंगी उनके साथ में, तो एक पुलिस की इंक्वायरी भी होंगी और दूसरा जो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से जो कुछ भी हुआ उसका भी जायजा लिया जाएगा। आपको जो रिपोर्ट अभी तक इस मामले की दी गई है, जो ब्रीफ किया गया है, उसमें क्या कहा गया है सर? नहीं उसमें तो यही जो यानी एक तो वो कुछ अननोन लोग जो घुसे और बाद में दूसरा जो पुलिस को अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत देने चाहिए थे, या ये जो 2-3 महीने से जो कुछ भी चल रहा तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत थी, तो जो कुछ भी हुआ उसके लिए वाइस चांसलर को भी उन्होंने बुलाया, सचिव HRD अमित जी खरे ने,
सर, बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि पुलिस को बहुत सारे कॉल्स मिले लेकिन जो तुरंत एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ और उसकी वजह से ये घटना इस स्तर तक बढ़ गई। नहीं, अभी क्या है, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। तो पुलिस कह रहे कि हमको लेट इन्फॉर्मेशन मिली और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हमने उनको बताया था, उसी के लिए अब वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो वाइस चांसलर है, तो वाइस चांसलर को बुलाया अभी सेक्रेटरी साहब, तो उनके मीटिंग बाद में वो पता चलेगा। और ये पुलिस की इंक्वायरी तो कल रात में गृह मंत्री जी ने उसके ऑर्डर दिए हुए हैं। शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए।